कान मानवीय शरीर का एक महत्वपूर्ण अवयव है। हम कानों से सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों का जब कान के पर्दे पर आघात होता है तब पर्दा थरथराता है। कान के तीन भाग होते हैं, कर्णपल्लव या बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। कर्णपल्लव या बाह्य कर्ण बाह्य परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है और उसे मध्य कर्ण की खोखली जगह तक पहुंचाता है। इसके विशिष्ट फूल जैसे आकार की वजह से ध्वनि इकट्ठा करना और उसे मध्य कर्ण तक पहुंचाना आसान होता है। मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा झिल्ली होता है जिसे कर्णपटह कहते हैं। जब मध्यम से संपीड़न कर्णपटह पर पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसके विरुद्ध विरलन के पहुंचने पर झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब कम हो जाता है और कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार ध्वनि तरंग के कारण कर्णपटह में कंपन होते हैं। ये कंपन विद्युत संकेतों में बदल जाते हैं जो नसों के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। वह ध्वनि जो निम्न स्वरमान या कम फ्रिक्वेंसी अर्थात कम वारंवारिता की होती है वह कम कंपनों का निर्माण करती है। वह ध्वनि जिसकी आवाज या विस्तार कम होता है उसमें भी कम मात्रा में नाटकीय कंपन का निर्माण होता है। उच्च फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि जल्द गति वाले कंपनों का निर्माण करती है। अंतःकरण, श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है। अंतःकरण में घोंगे के शंख की तरह चक्राकार कर्णावर्त होता है। कर्णपटह से आने वाले कंपन कर्णावर्त द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा उन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। एनिमेशन की मदद से हम कान से कैसे सुन सकते हैं ये हमने जाना।